नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 रोटेशनल मोशन का, जो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। सॉलिड हेमिस्फेरिकल शेल का हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास की पोजिशन निकालनी है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रिंग के बारे में, सेमी सर्कुलर रिंग का हमने निकाला है, आर्क का निकाला है, क्वाड्रेंट का निकाला है हमने, और डिस्क का निकाला है, हेमिस्फेरिकल शेल का निकाला है। अभी हम निकाल रहे हैं सॉलिड हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर का। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद हम और भी निकालेंगे, कोण वगैरह का भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, और शेयर जरूर करें क्योंकि कर बोला तो हो बोला। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया। जो ये है सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉडी हमारे पास है जिसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास आर। हमने क्या किया कि यहां से इसके सेंटर से वाई डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई। ठीक, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसके यहां पर सेंटर मास की पोजिशन निकालेंगे। तो वाई में सिमेट्री है इसलिए एक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स में जो वैल्यू होगी सेंटर मास की पोजिशन की वो हो जाएगी जीरो। ठीक, लेकिन y में आएगा, क्यों आएगा, तो अपन कैसे निकाले y में जो आएगा वो y com कितना आएगा और कैसे आएगा कि जीरो से कहां तक निकालेंगे अपन, r तक, क्योंकि यहां पे y में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है भाई। यहां से कहां तक जाएगा, ये कैपिटल r तक जाएगा। अभी हमने जो डिस्टेंस लिए वो क्या लिए, y लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, dm into y हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा इसका टोटल मास। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 to r, dm की वैल्यू अगर अपन निकाले यहाँ पर, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो dm की वैल्यू होगी वो क्या होगी। हमने यहाँ पर एक डिस्क कट कर लिया, क्या किया भाई, हमने यहाँ पर एक डिस्क कट किए है ना। तो इस डिस्क के लिए अगर अपन dm की वैल्यू की बात करें तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पर डेंसिटी के लिए बात करें तो ये होगा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क है ना। अब डिस्क की जो थिकनेस है वो कितनी है, डी वाई। एरिया अगर अपन इसका बाद निकाले तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, डी वाई। तो ये वॉल्यूम बन जाएगा डिस्क का। ठीक, अगर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू में रख देता हूँ, सॉरी रो की वैल्यू में रख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एम बाई 2/3 पाई आर क्यू है ना। ये क्या है, ये है आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। ठीक, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो dm की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 कैपिटल m बाई 2 r³ स्मॉल r² dy, ये हो गया dm इनटू y। ठीक है, y com डिवाइड बाई कैपिटल m, कैपिटल m जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्या बचेगा भैया यहाँ पे आपके पास, 3/2 कैपिटल आर क्यूब। अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू मैंने उसको अलग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई। अब ये जो है आपके पास स्मॉल आर जो है इसको हम निकाल सकते हैं कैपिटल स्मॉल आर को जो है वो वाई की फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि यहां से अगर अपन देखें, सिंपल सा अपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो जो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास में, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 3/2 r³, और ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो अंदर वाई है इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाई क्यूब, और दोनों में इंडिविजुअली हम यहाँ पर डी वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें 0 to R, 0 to R। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 R³, और यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा, जब वाई स्क्वायर में अपन वैल्यू पुट करेंगे आर की, तो ये हो जाएगा आपका R⁴/2। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक, और जब अपन वैल्यू पुट करेंगे अपन लिमिट आर, तो ये हो जाएगा R⁴/2 माइनस,
ये भी कितना हो जाएगा भाई, आर पावर फोर है ना, क्योंकि वाई क्यूब है तो वाई पावर फोर बाई फोर होगा यहां पर, ठीक। तो ये हो गया 3/2 आर पावर थ्री, और ये हो जाएगा यहां पर आपका 2 आर पावर 4/4 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पावर फोर है, ये थ्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 आर बाई 4, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है अपना, फोर अपन ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर टू नहीं आएगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया हमारा आफ्टर एलसीएम, ठीक। तो ये जो टू है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई अपने पास में, ये था 2 आर क्यूब, तो सिर्फ आर कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 आर बाई 8, ठीक है। तो किसकी पोजिशन आ गई अपने पास में, वाई सीवा, एक्स में कितना है भाई, जीरो है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर मास की पोजीशन, ठीक है। आगे अपन जो निकालेंगे वो कौन के लिए बात करेंगे, सिलेंडर के लिए बात करेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।